गोवा के हसनपुर इलाके में अवैध रूप से चल रहे एक मदरसे पर आज जिला प्रशासन की टीम ने बड़ी कार्यवाही करते हुए बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। किसी भी विरोध के मद्देनजर पूरी कार्यवाही के दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। अमरोहा के हसनपुर क्षेत्र में जेवड़ा खास में अवैध रूप से बनाए गए मदरसे की शिकायत पर आज अमरोहा प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया है। दरअसल पिछले कुछ समय से जेवड़ा के ग्रामीण शिकायत करते आ रहे थे कि गांव के कुछ मुस्लिम लोगों ने जानवरों को बांधने के नाम पर जो निर्माण किया था, अब उस पर अवैध रूप से मदरसा संचालित किया जा रहा है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद जब प्रशासन ने धरातल पर निरीक्षण किया तो उनके होश उड़ गए, क्योंकि बाकायदा एक मदरसा चल रहा था जिसे तोड़ने के लिए आज अमरोहा प्रशासनिक टीम दो बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंच गई और अधिकारियों के निर्देश पर देखते ही देखते बाबा के बुलडोजर गरजने लगे। मदरसे पर चल रही ध्वस्तीकरण की कार्यवाही को देखने के लिए आसपास के लोगों की भीड़ जमा होने लगी। किसी भी विरोध को देखते हुए बड़ी कार्यवाही में पुलिस की व्यवस्था की गई। घंटों चली इस कार्यवाही में आखिरकार बाबा के बुलडोजरों ने अवैध मदरसे को जमींदोज कर दिया। जेवड़ा में विवादित जमीन के ऊपर बिना कब्जे के जमीन का कोई पे और ग्रामवासियों के बताया कि यहाँ पे कुछ मुस्लिम धर्मावलंबी लोगों ने मस्जिद का निर्माण करने का प्रयास किया गया और मदरसे का निर्माण करने का प्रयास किया गया और उसमें कहीं सक्षम अधिकारी के स्तर से अनुमति नहीं थी। कहीं कोई कहीं जैसे होता है कि पहले से अनुमति ली जाती है मदरसा संचालन के संबंध में या मस्जिद बनाने के लिए, अचानक से इन्होंने उसमें नमाज पढ़ने का काम शुरू कर दिया गया, अचानक ही मदरसा संचालित कर दिया। हालांकि ग्रामवासी को उन्होंने पहले लिख के दिया था कि हम केवल पशुपालन का काम करेंगे और उसमें भूस रखेंगे, लिख के इतने दे रखा था तो ग्रामवासियों की भावनाएं आहत थी इससे और लोगों ने ऑब्जेक्शन किया तो ये जो विवादित ढांचा था इसे हटाया गया है। किसी के खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है सर? इसमें जो दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, मुकदमा लिखा तब तक से कार्रवाई की जाएगी।